अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिया व्लॉग। आज हम पहले गए हॉस्पिटल, अनम के स्टिचेस खोलने थे। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी छोटे छुपे बना दी। फिर भी मुझे मेहमान भी से डांट पड़ी थी कि मत बनाओ, हमें कोई इशू ही ना हो जाए। तो फिर मैंने ये अनम के स्टिचेस खोल रहे थे। फिर हॉस्पिटल से हम लोग गए कार्निश, ऊबर वाले ऊबर था वहाँ पे, कार्निश था वहाँ पे हम लोग गए। मैं, अनम और नुमान भी हम लोग हॉस्पिटल से इधर गए, बच्चे सारे घर पे थे। तो बड़ा सुकून आया था वहाँ पे। बच्चे हम अब्दुल्ला और फैसल भाई के पास 5 बच्चे छोड़ के गए थे। अब उनके हालात क्या हैं ये आगे देखेंगे। कॉर्निश में गए थे, इतना सुकून वाला माहौल, इतना गहरा समुंदर और इतना बड़ा बीच था ना, मतलब बहुत मज़ा आया। बहुत सुकून वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही थी। और ये व्लॉग बनाते बनाते मुझे नींद आ रही। यहाँ पे सोदिया के इस टाइम 5:17 हो गए। ये व्यू देखें, ये व्यू बहुत प्यारा है। आज इस व्लॉग में मैं 3 लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एक तो मेरी मामी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम कार्निश में आए तो इतनी ज़्यादा तेज हवा चल रही है, ऐसी मज़े हवा चल रही है, जिसने मेरे कुछ सब्सक्राइबर करवाए थे। तो मतलब वो बहुत गहरा समुद्र है। और थर्ड एक मेरी बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे कहा था तुम क्यों नहीं खुद नहीं आती वो लोग में सामने, तुम्हें आना चाहिए। अब मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये बताना अपने कमेंट्स में। एंड सेकेंडली, कार्निश के व्यू के साथ साथ एक और बात करूँगी, मेरी 50 से ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं पर सब्सक्राइबर क्यों नहीं होते। अल्लाह दे बंदे हो, जब वीडियो देखते हो लाइक तो सब्सक्राइब तो कमेंट भी कर दिया करो, कोई गाल नहीं। और फिर उसके बाद कार्निश में हम लोग घूमने से बहुत ठंडी हवा थी। वीडियो बनाते बनाते मुझे नींद आ रही है। तो मैं अनम और नुमान भी हम लोग बच्चे घर में छोड़ रहे हैं, हम लोग बड़े सुकून से कार्निश पर घूम रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, मैं आज 3 लोगों के बारे में कहना था, मैंने वो भी कह दिया। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये समुंदर देखो कार्निश का, बहुत ज़्यादा मज़े का। तो इस आगे की वीडियो में नुमान भी ने ना यहाँ से इनकी एक लाइन, यहाँ पे हम बैठे हुए थे, एक शीन के टॉपिक पे बात की, तो नुमान भी ने कहा कि मैंने छलांग मार दी इधर के मजाक में, कब शीन के टॉपिक पे बात ना हो। अब शीन क्या है ये आपको मैं आगे जाके बताती हूँ, बल्कि बता देती हूँ अभी। शीन एक ऐप है जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और हमने अनेवा उस पर ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो उसके यहाँ ये देखें, सारी बातें छोड़ें, ये लड़की इतने मस्त इंजॉय करती है, साथ कॉफ़ी, इसके हाथ में चाय या कॉफ़ी का मग था और बुक पढ़ रही थी। मतलब बहुत मज़े का सीन लग रहा था यार, सही लाइफ इंजॉय करती थी। यहाँ पे बस आपका फिर ना फिक्र ना फाका ऐशकर काका। हाँ जी, आते हैं शीन पे। शीन पे हमने मतलब शॉपिंग की भी, काफ़ी चीज़ें परचेज़ की। आज वीडियो मुझे हर 2 से 3 मिनट बाद स्टॉप करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे जमाइयाँ आ रही हैं नींद की वजह से। हाँ जी, फिर हम कार्निश पे थे। कार्निश का मतलब समुंदर बहुत मज़े का था। मैं तो दूसरी साइड पे भी चली गई थी, बहुत प्यारा था। मतलब खुदा की कुदरत बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। और ये यहाँ पे नुमान भी लग रहे थे क्या है, अब शीन का नाम जो मैंने बाहर चलाक मारी, फिर जोहर कस्टर्ड बना के लाई। ये शीन, ये सारे मेरे पार्सल्स नहीं है, ये कुछ गिफ्ट्स हैं और कुछ चीज़ें। और ये गाने से वापस अपने गाने सुने। और ये बच्चे भाई क्या कहना चाहेंगे, बच्चों ने तंग किया बस लिफाफ नहीं तो बता है। बाइक टेस्ट इन 1 2 3। और इस सामान पे मत जाइएगा, ये खाला जाए कि नहीं बताओ, खाला जाए कि नहीं? नहीं नहीं जाए। आप खाला से तंग आए हो कि नहीं? नहीं आया। ये तो पलट गया ना। अच्छा, खाला को मिस करोगे? मिस करूंगा थोड़ा के ज्यादा। खाला अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। आए जब भी दादो पे याशी से दबशब सामान की भी मत जाएगा। जब कोई परदेसी अपने देश जाता है तो ऐसी गंद पड़ा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।